और खबरों की कर लेंगे। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से सनातन धर्म पर सीधे हमले के बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर जवाबी हमला किया है और साफ कर दिया है कि सनातन का अपमान न बीजेपी स्वीकार करेगी न हिंदुस्तान। बीजेपी ने आज सीधा हमला कांग्रेस पर बोला है और पूछा है कि आखिर चुनाव के समय मंदिर जाने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब सनातन के अपमान पर चुप क्यों हैं? सनातन को लेकर जब बयानबाजी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है, तो गांधी परिवार की तरफ से कोई ट्वीट या कोई बयान या कोई वीडियो सामने क्यों नहीं आ रहा है? इलेक्शन के टाइम पर मंदिर जाने वाले जनेउधारी राहुल गांधी चुप क्यों हैं? बीजेपी अब आक्रामक है और देश भर में सनातन पर किए जा रहे हमले को लेकर सवाल उठा रही है। विपक्ष पर, इंडिया के गठबंधन की मंशा पर रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। बाकी सब पर खामोशी और सनातन का खुला शर्म, बेशर्मी भरा, निकृष्ट, अमर्यादित, क्या मैं कहा, आलोचना तो कहना भी, आलोचना को शर्मिंदा करना होगा, यह बहुत पीड़ादायक है। इसलिए फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है, आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। और भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, योर साइलेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल। गिरिराज जी, इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये गठबंधन बना है वो सनातन धर्म का विरोध करने के लिए बना है और अभी तक लगातार टिप्पणी हो रही है, ना कोई माफी मांग रहा, ना कोई एक्शन हो रहा है। अब तो उन्होंने कह ही दिया कि ये गठबंधन ही बना है सनातन को अपमान करने के लिए, समाप्त करने के लिए, डेंगू मलेरिया जैसा प्रयोग शब्द का करने के लिए। तो भी राहुल गांधी की जुबान बंद है, विदेश में जाकर के भारत को गाली दें और आने वाले दिन में राहुल, उद्धव ठाकरे जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जैसे सरीके सारे नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो देश अब सनातन का अपमान नहीं सहेगा। जी, कल इंडिया ब्लॉक की बैठक है, आप लोगों को लगता है कि एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो गया, ना सोनिया गांधी बोले, ना लालू प्रसाद, ना नीतीश, ये लोग माफी मांगेंगे? चिंता मत करें, देश इसका हिसाब लेगी, सनातन का अपमान देश नहीं सहेगा। सनातन का अपमान जो है वो देश नहीं सहेगा और बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि आने वाले दिनों में जब इंडिया ब्लॉक की बैठक हो तो उस पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। रेडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ विवेकांत राय, टाइम्स नाउ, भारत, दिल्ली।